पहला क्वेश्चन है मेज वीट राइस क्रेनिस। मेज वीट या फिर राइस क्या है, फ्रूट सीड एम्ब्रियो या फिर ड्राइड बट। तो इसका राइट आंसर है ए फ्रूट, यानी कि मेज वीट या राइस ये सभी फ्रूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रीगेट फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम। एग्रीगेट फ्रूट किससे मिलकर बनता है, पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनेशियम, पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस गाइनेशियम या फिर एन इन्फ्लोरेसेंस या फिर बोथ ए एंड बी। राइट आंसर है ए पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनेशियम। इन कुकुम्बर द एडिबल पार्ट इज, कुकुम्बर में खाने योग्य भाग होता है, मिशोकार्प पेरिकार्प एंड थैलेमस एंडोकार्प या फिर थैलेमस पेरिकार्प प्लेसेंटा एंड सीड्स। सही आंसर है डी कुकुम्बर में थैलेमस पेरिकार्प प्लेसेंटा एंड सीड सभी खाया जाता है। फ्रूट ऑफ क्रूसीफेरी इज, क्रूसीफेरी में पाया जाने वाला फ्रूट होता है लेग्यूम सिलिकुआ बेरी या फिर सिप्सेला। राइट आंसर है बी सिलिकुआ। एडिबल पार्ट इन द फ्रूट ऑफ लीची इज, लीची में खाने योग्य भाग होता है मेसोकार्प एरिल फ्लैसीथैलेमस या फिर कॉटलिडंस। सही आंसर है बी एरिल, लीची में एरिल भाग को खाया जाता है। फ्रूट डेवलप फ्रॉम अ सुपीरियर यूनिलोकुलर ओवरी विच डाइसेस बाय वन सूचर ओनली इज, फोलिकल लेग्यूम सिलिकुला या फिर सिलिकुआ। सही आंसर है फोलिकल। अ करैक्टरिस्टिक ऑफ ड्रूप इज, ड्रूप का करैक्टरिस्टिक क्या है, फ्लैसी सीट कोट स्टोनी पेरिकार्प स्टोनी मीजोकार्प या फिर स्टोनी एंडोकार्प। सही आंसर है डी स्टोनी एंडोकार्प। इन एस्ट्रेसी या फिर सनफ्लावर द फ्रूट इज, ड्रूप सिप्सेला बेरी या फिर कार्ड सरुलस। सही आंसर है बी सिप्सेला। वीट राइस ग्रेन इज ए फ्रूट ऑफ द टाइप, यानी कि वीट या फिर राइस किस टाइप का फ्रूट होते हैं, सिप्सेला समारा एकीम या फिर कैरियोप्सिस। सही आंसर है डी कैरियोप्सिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नट, इनमें से कौन एक नट है, वॉलनट कैस्यू नट ग्राउंड नट या फिर बोथ ए एंड बी। सही आंसर है डी बोथ ए एंड बी, यानी कि वॉलनट एंड कैस्यू नट नट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ पॉलीकार्पलरी ओवरी, इनमें से किसमें पॉलीकार्पलरी ओवरी नहीं पाई जाती है, ग्वावा कोकोनट एप्पल या फिर फिग। सही आंसर है फिग, फिग में पॉलीकार्पलरी ओवरी नहीं पाई जाती है, बाकी ग्वावा कोकोनट एंड एप्पल में पॉलीकार्पलरी ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ सिंपल वन सीडेड ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट इन विच पेरिकार्प एंड टेस्टा आर फ्यूज्ड इज, नट एकीन सिप्सेला या फिर कैरियोप्सिस। सही आंसर है डी कैरियोप्सिस। कोयर ऑफ कॉमर्स इज ऑब्टेंड फ्रॉम, एंडोकार्प ऑफ कोकोनट मीजोकार्प ऑफ कोकोनट स्टेम ऑफ जूट या फिर लीव्स ऑफ कोकोनट। सही आंसर है बी मीजोकार्प ऑफ कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रूट ऑफ कैलोट्रोपिस इज, कैलोट्रोपिस का फ्रूट होता है नट फोलिकल बेरी या फिर सिलिकुआ। सही आंसर है बी फोलिकल। फ्रूट ग्रोइंग फ्रॉम हाइपेंथोडियम या फिर फ्रूट ऑफ फिग इज, यानी कि ऐसा फ्रूट जो कि हाइपेंथोडियम से ग्रो होता है या फिर फिग में पाया जाने वाला फ्रूट होता है, सोरोसिस सिलिकुआ साइकोनस या फिर समारा। सही आंसर है सी साइकोनस। इन पाइनएप्पल द फ्रूट इज, पाइनएप्पल में पाया जाने वाला फ्रूट होता है पीपो ड्रूप एटीरियो ऑफ एकीन्स या फिर सोरोसिस। राइट आंसर है डी सोरोसिस। कैरियोप्सिस इज द फ्रूट ऑफ, कैरियोप्सिस किसका फ्रूट होता है, कोकोनट का ब्रेंजिल का टोमेटो का या फिर मेज का। सही आंसर है डी मेज या फिर सोरगम में पाया जाने वाला फ्रूट कैरियोप्सिस होता है। अ फॉल्स फ्रूट इज दैट ऑफ, इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन है, मैंगो
कैस्यू नट, एप्पल या फिर ब्रिंजल। सही आंसर है सी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट ऑफ एनोना, स्क्वेमोसा या फिर कस्टर्ड एप्पल इज एटीरियो ऑफ बेरीज, एटीरियो ऑफ ग्रोप्स, हाइपेंथोडियम या फिर एटीरियो ऑफ एकेन्स। सही आंसर है ए, एटीरियो ऑफ बेरीज। इन ग्राउंड नट या फिर पीनट द फ्रूट इज जियोकार्पिक, एम्फीकार्पिक, फोटोकार्पिक या फिर इपिकार्पिक। सही आंसर है ए, जियोकार्पिक।